नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। देखिए, आज हम बनाएंगे इस तरह का बॉर्डर डिजाइन। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये मैंने इसका सैंपल बनाया बॉर्डर का। ये 52 फंदों में मैंने ये 52 फंदों में ये डिजाइन बनाया है। तो इस बॉर्डर डिजाइन को आप जैसे लेडीज़ कार्डिगन में, स्वेटर में और गर्ल्स के जैसे कुर्ती और जैकेट वगैरह बनाते हैं उसके नीचे आप बॉर्डर के रूप में इसे डाल सकते हैं, और छोटी बेबी गर्ल्स के फ्रॉक में आप नीचे से इसे झालर के रूप में डाल सकते हैं। तो आइए हम इस डिज़ाइन को निकालना शुरू करते हैं। बॉर्डर डिजाइन किस तरह से निकलेगा देखिए। इस सिलाई में मैंने 32 फंदे डाले हैं, 32 यानी 32 फंदे डाले हैं। इस तरह से देखिए, 10-10 सिलाइयों, 10-10 फंदों की हमारी बुनाई है। यहाँ से और यहाँ तक ये 10 फंदे हैं, और यहाँ से यहाँ तक 10-10 फंदों में ये हमने बनाया है। तो ये 10-10 30 और दो फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने इसे डबल फंदा डबल ये नीडल में डाला है देखिए, ताकि ये नीचे से मेरा खींचे रहा बॉर्डर। यहाँ से ये इस तरह से आना चाहिए बराबर, नहीं तो ये सिंगल में डालेंगे थोड़ा खींच सकता है, ये उठा हुआ नहीं आएगा। फिर देखिए मैंने बना दिया है। अब हमारी मेरी ये उल्टी साइड है, देखिए उल्टी साइड है मेरी। पहले उल्टी साइड आता है मेरा, तो हम इसे बनाएंगे सीधा। है तो उल्टी साइड, तो बनाएंगे हम सीधा कि सीधी साइड को हमारा ये उल्टा उल्टा डिजाइन आए। इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे। सारे फंदे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। इसमें देखिए उल्टा सीधा किस तरह से पता लगता है, ऐसे तो आपको पता ही होगा, पर फिर भी बता देती हूँ मैं। जैसे ये ऐसा आ रहा है, इस तरह से ये मेरे फंदे डालती थी मैं अक्सर, मेरा ये उल्टा साइड आता है। जैसे ये दाने दाने से दिख रहे हैं, और सीधी साइड ये है, ये देखिए सीधी साइड है। ये सीधी साइड में ऐसे लाइन सी आती है, तो आप लोग सब जानते ही होंगे वैसे, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। ये सीधी साइड है तो हमारा इस तरफ डिजाइन आएगा, और ये मेरा उल्टी साइड है, तो इसलिए मैं इसे सीधा बना रही हूँ ऐसे, क्योंकि मेरा पहली दफ़े उल्टी साइड आता है। तो आपका सीधी साइड आ रहा है तो आप उल्टा बना सकते हो उसे। सीधी सिलाई हमने क्योंकि उल्टी बनानी है, और उल्टी सिलाई सीधी, इसको सीधा बनाएंगे। मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। देखिए उल्टी सिलाई मेरी पूरी हो गई है, और बनाई हमने सीधी है। अब आगे हम सीधी साइड, देखिए सीधी साइड हमने उल्टी बनानी है, सीधी सिलाई को हम उल्टा बनाएंगे इस तरह से। देखिए क्योंकि हमने ये उल्टा उल्टा बुनना है, सीधी साइड हमारा उल्टा उल्टा आना चाहिए पूरा। देखिए सीधी सिलाई है पर उल्टा उल्टा बना रहे हैं हम। ये दूसरी सिलाई है मेरी, सेकंड सिलाई। अब उल्टी साइड है तीसरी सिलाई, इसको हम सीधा बनाएंगे, पर इसको हम सीधा सीधा बना लेंगे ऐसे। इसमें देखिए पीछे से हमारा उल्टी साइड से सीधा सीधा आएगा, और सीधी साइड से उल्टा उल्टा। तो हमें उल्टा उल्टा डिजाइन चाहिए हमें सीधे साइड से, और एक साथ आ जाएंगे उल्टी उल्टी लाइनें, इसीलिए हम सारी सिलाई जो है उल्टी साइड सीधी साइड निकाल रहे हैं। उल्टी उल्टी इसे निकाल देती हूँ मैं। देखिए उल्टी सिलाई पूरी हो गई मेरी, और सीधा सीधे निकाला हमने से उल्टी साइड से ऐसे आ जाएगा देखिए, और सीधी साइड से हमारा ये इस तरह से ऐसे थोड़ा मुड़ा हुआ सा आएगा। तो हम इसके बाद देखिए क्या करेंगे, दूसरा धागा लगाएंगे इस पर। पहले दो फंदे तो हम बिना बुने ले लेंगे ऐसे, और फिर सीधा बुनना है हमने, सीधा बुनेंगे इसको। यहाँ से ऐसे जॉइंट कर देंगे, चाहे आप इस पर नॉट लगा लीजिए। मैं तो सैंपल बनाऊँगी तो ऐसी मैं कर लेती हूँ। इस पर यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं आप, ऐसे करके खोल के चाहे ऐसे बना लीजिए आप इस तरह से,
इसको ऐसे दबाते हुए ले जाइए ऐसे करके, तो दब जाएगा अंदर ही धागा, तो खुलेगा नहीं फिर ये। इसमें नॉट नल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे आप दबाते हुए चले जाएंगे धागे को, अंदर ही दब जाता हो। तो अब हम देखिए, दो फंदे तो हमने बिना बुने लिए और बीच में आठ फंदे हम बुन के लेंगे। तो 2, 4, 5, 6, 7 और ये 8, 8 फंदे, फिर दो फंदे फिर हम बिना बुने लेंगे ऐसे, इस तरह से। ये 10 फंदे हो गए हमारे, इन्हीं 10 फंदों को हम फिर से बुनेंगे। आठ फंदे फिर, दो चार पाँच छ सात और ये 8, 8 फंदे फिर 10, इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। जितने भी आपके फंदे हैं, 8 फंदे सीधे और 2 फंदे बिना बुने लेते हुए पूरे करेंगे। तो ऐसा 2, 4, 6 और 8, एक ही लास्ट में आपके फिर 2 ही फंदे आने चाहिए। इस तरह से फंदे डालिएगा कि लास्ट में फिर 2 ही फंदे आए। और तो 10-10 के हिसाब से हमारे आने ही हैं, एक्स्ट्री चाहिए 2 एक्स्ट्रा डालने होंगे हमें। अब आगे हमारी उल्टी सिलाई देखिए, 2 फंदे हमने बिना बुने लेने हैं, इनको उल्टा बुनना है। अब सीधा उल्टा ही बुनना है, पीले फंदों को ये जो है हमारे, इनको सीधी सिलाई में सीधा बुनना है और उल्टी सिलाई में उल्टा, और बीच के 2 ये हम इसी तरह से ये बिना बुने लेते हुए जाएंगे। इसी तरह से हम ये 6 सिलाई निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है येलो कलर से, और सीधी वाली सीधी, और बीच के बिना बुने लेने, उनको बुनना नहीं है हमने 6 सिलाई तक। ये देखिए ऐसे बना लेंगे इनको, चाहे तो इन्हें ऐसे रहने दीजिए क्योंकि हमने घुमाना तो है ही इसे लास्ट के। तो बस यहाँ से हम फिर से सीधा बनाते हुए चलेंगे ऐसे। उसमें निकाल लेती हूँ सिलाई और फिर आपको दिखाती हूँ। इसी तरह बनाना है, सीधी सिलाई सीधी, उल्टी सिलाई उल्टी, 6 सिलाई। देखिए छठी सिलाई है मेरी, ये बिना बुने ले लेंगे। इनको भी बिना बुने, अब देखिए सातवीं सिलाई में, सातवीं नहीं ये 10वीं आ जाएगी मेरी, क्योंकि ये 3 भी है ना, ये नहीं गिनी मैंने, तो 6, 3, 9 और 1 ये 10वीं सिलाई है। ये 10 सिलाई में हमारी ये पूरी बुनाई हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो उल्टी सिलाई में देखिए हम सारा बना लेंगे इसको उल्टा उल्टा ऐसे करके। ये जो हमारे बिना बुने हुए थे इनको भी हम बना लेंगे ऐसे तरह से। ऐसे ये फंदे हैं जो बिना बुने, इनको हम इस सिलाई में बना लेंगे। 10वीं सिलाई में उल्टी सिलाई आएगी हमारी, इसमें हम सब फंदे बना लेंगे। तो बना लेती हूँ मैं इसी तरह से बिना बुने फंदे, दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। अभी लास्ट के देखिए, इनको भी हम ऐसे बुन लेंगे। ये ढीले हो गए क्योंकि ये यहाँ पे थे ऐसे किनारे में, इनको कस लेंगे। बस हो गए हमारे ये पूरे, देखिए इस तरह से आ जाएगा ये। देखिए बनके कितना सुंदर लग रहा है, देखिए बनके बहुत कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन और येलो कलर। तो वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।